नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाती हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के पास सहायता लेने के लिए पहुंचे। श्री कृष्ण उस समय विश्राम कर रहे थे, तो दुर्योधन उनके सिरहाने पर जाकर खड़ा हो गया और अर्जुन उनके चरणों में जाकर बैठ गया। जैसे ही श्री कृष्ण की आंख खुली, तो उन्होंने अपने सामने अर्जुन को देखा और उनसे पूछा कि अर्जुन, तुम्हें क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं आया हूँ, इसलिए मुझे आप मुझे दीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा, पहले तुम पहले आए हो, लेकिन मेरी नज़र पहले अर्जुन पर पड़ी, इसलिए पहले मांगने का हकदार वो है। और अर्जुन तुमसे आयु में छोटा है, तो इस हिसाब से भी अर्जुन को मांगने का हक पहले है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि इस महाभारत के युद्ध में आप मेरी सहायता करिए। तो श्री कृष्ण बोले, एक तरफ तो मैं हूँ निहत्था, जो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है जो अजय है। अब तुम बताओ कि तुम्हें इन दोनों में से क्या चाहिए? तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आपकी जरूरत है। दुर्योधन मन ही मन खुश हो गया कि एक निहत्थे व्यक्ति को लेकर के ये अर्जुन क्या कर लेगा, और ये अच्छा हुआ कि नारायणी सेना मुझे मिल गई। और वह बहुत खुश होकर वहाँ से चला गया। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुमने नारायणी सेना को छोड़कर मुझे निहत्थे को क्यों चुना? अर्जुन ने कहा, मुझे आप पर इतना विश्वास है कि ऐसी एक तो क्या हजार नारायणी सेना मिलकर भी आपके सामने टिक ही नहीं सकती। ऐसा ही विश्वास हमारे मन में परमात्मा के लिए, अपने रब के लिए, अपने खुदा के लिए हो जाएगा कि दुनिया की हजार मुश्किलें मिलकर भी मेरे उस रब के आगे, मेरे खुदा के आगे, मेरे परमात्मा के आगे टिक ही नहीं सकता। तो विश्वास रखना, दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक प्रसंग महाभारत का और है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। दुर्योधन ने विश्वामित्र से जाकर के बहुत कठोर वचन कहे कि आप युद्ध भले हमारे तरफ से कर रहे हो, लेकिन आपका मन पांडवों से मिला हुआ है, आप ईमानदारी से युद्ध नहीं कर रही हैं। दुर्योधन की इस बात को सुनकर विश्वामित्र को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, कल या तो अर्जुन नहीं रहेगा या फिर भीष्म नहीं रहेगा। इस प्रतिज्ञा को सब लोगों ने सुना, सबको पता चल गया। जब श्री कृष्ण को इस प्रतिज्ञा के बारे में पता चला, तो ये अर्जुन को ढूंढने लगे, और ढूंढते ढूंढते जब अर्जुन के कक्ष तक पहुंचे, तो देखा कि अर्जुन मजे से सो रहा था। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जाकर उठाया कि अर्जुन, तुम्हें पता है आज क्या हुआ है? अर्जुन ने कहा, मुझे सब पता है। तो श्री कृष्ण ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या पता है? अर्जुन ने कहा कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, कल या तो अर्जुन नहीं रहेगा या फिर भीष्म नहीं रहेगा। अर्जुन ने कहा, हे केशव, आज मैंने सारा दिन युद्ध किया है और कल मुझे फिर युद्ध करना है, इसीलिए मुझे थोड़ी देर विश्राम कर लेने दीजिए। फिर श्री कृष्ण ने बोले, जब तुम्हें पता है कि उसने ये प्रतिज्ञा ली है, तो कल या अर्जुन नहीं रहेगा या भीष्म नहीं रहेगा, तो उसके बाद भी तुम इतने निश्चिंत होकर कैसे विश्राम कर रही हो? तो तुम्हें कोई चिंता नहीं हो रही क्या? तो अर्जुन से कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कृष्ण से कहने लगे कि जिसकी चिंता में व्याकुल होकर आप इधर से उधर भटक रही हैं, जिसकी चिंता आपने अपने कंधों पर उठा रखा है, उसके बाद तो कोई मूर्ख इंसान होगा जो अपनी चिंता खुद करने लगे। जिन लोगों का परमात्मा में विश्वास होता है, वो बड़े से बड़े संकट, बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर आ जाते हैं। महाभारत का एक प्रसंग और भी है कि अर्जुन का और राजा भगदत्त का युद्ध चल रहा था, और उस महाभारत के युद्ध क्षेत्र में एक छोटी सी चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ फंस गया था और मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करने लगा कि मेरी रक्षा करो, और उसकी प्रार्थना को श्री कृष्ण ने सुना। राजा भगदत्त एक विशाल हाथी पर बैठा हुआ था, और जब अर्जुन राजा भगदत्त से युद्ध कर रहा था, तो अर्जुन का तीर उस हाथी के गले में बंधी बड़े से घंट पर जाकर लगा, और वह विशाल का घंट उस चिड़ियाओं के ऊपर जाकर गिरा, और
12 दिन वहां पर घमासान युद्ध होता रहा। हजारों लाखों योद्धा मरते गए और जब उस दिन युद्ध की समाप्ति हुई तो श्री कृष्ण अर्जुन को उस घंट के पास लेकर आए और अर्जुन से उस घंट को उठाने के लिए कहा। जब अर्जुन ने उस घंट को उठाया तो उस घंट के नीचे वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ सुरक्षित बैठी हुई थी। तो अर्जुन बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि इतने घमासान युद्ध के बीच में भी यह चिड़िया बच कैसे गई। और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि इन चिड़ियाओं का परमात्मा में पूरा विश्वास था, अपनी आस्था पर, अपनी प्रार्थनाओं में पूरा विश्वास था, इसीलिए आज की इनकी विश्वास नहीं इनकी रक्षा की है। अगर सारा खेल आपके विश्वास का ही है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी, आपको ऐसी हजारों लाखों मिसाल मिल जाएंगी जिनके विश्वास ने उनकी रक्षा की है, जिनकी प्रार्थनाओं ने उनकी जिंदगी में चमत्कार किया है। ऐसे ही जब भी कभी आपकी जिंदगी में मुश्किलें आए, कोई मुसीबत की घड़ी आ जाए, जब आपको लगे कि आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, आपकी बुद्धि कुछ भी नहीं काम कर रहा, आप फंस गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप अगर परमात्मा पे विश्वास करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं पे विश्वास करते हैं, तो यकीन मानना आपकी वो प्रार्थनाएं, आपकी वो दुआएं, आपका वो विश्वास आपको बड़े से बड़े संकट से भी बाहर निकाल कर ले आएगा। अरे वो उजरे को बसा देता है, वो बिछड़ों को भी मिला देता है। हम सब और तो करे खाली पेट हैं, पर वह परमात्मा सबको भरपेट सुला देता है। गलत कहते हैं कि दीदार नहीं होता, सच तो ये है कि देखने वाला खुद ही तलबगार नहीं होता। एक बार सच्चे दिल से पुकारो उस परमात्मा को, फिर देखना तुम्हारी मदद करने के लिए कैसे वह सत्कार नहीं होता। अरे वह किसी भी रूप में, किसी भी रंग में आकर तुम्हारी सहायता करता है, क्योंकि सारे रंग, सारे रूप उसी के ही हैं। अरे तू चिंता मत कर, वह सब जानता है। जिसे कोई नहीं जानता उसे रब जानता है। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य है, लेकिन दोनों में इतनी ताकत है कि हर नामुमकिन कार्य को भी पक्का मुमकिन कर देते हैं। तो जिंदगी में जितनी मुसीबतें आई, आपकी हिम्मत टूट जाए, आपसे दुख सहा ना जाए, तो मन में यह विश्वास रखना कि वह परमपिता परमात्मा, वो ईश्वर, वो प्रकृति, वो परम शक्ति हमेशा आपके साथ है। जैसे उसने आज तक हर मुसीबत से, हर मुश्किल से आपको बाहर निकाला है, वैसे ही आज भी सारी मुसीबतों से, सारी परेशानियों से वो ईश्वर तुम्हें जरूर बाहर निकालेगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।